जी के स्वागत में देख रहे हैं ना किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। पूरा एकदम मलबा यहां से हटा करके इधर साइड में ट्रांसफर मार दिया गया है और ये पूरा एकदम खाली कर दिया गया है अभी जैसा आपको दिखलाई दे रहा है। और ये जेसीबी के थ्रू किया जा रहा है पूरा का पूरा। ये जब लेवल में आ जाएगा ये हटा दिया जाएगा तो पानी इधर साइड में आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। हर हर महादेव। और जैसा कि आज है 31 मई और मॉर्निंग में आ गया हूँ मैं, और जैसा कि आपको दिखाने वाला हूँ बिरला निवास रैम्प, बिरला निवास और रैम्प के बीच में सीढ़ियों का काम, गेटवे ऑफ कॉरिडोर, ललिता घाट, पशुपतिनाथ जी महाराज के साइड का जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो सारा वीडियो के माध्यम से अपडेट देने का प्रयास करूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जैसा भी लगेगा आपको मेरी वीडियो उसके अकॉर्डिंग सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक जरूर इसलिए कीजिएगा क्योंकि समझ में आना चाहिए कि हाँ मेरी वीडियो पसंद है या नहीं। तो अभी मैं एकदम निचले वाले सिरे पे आ गया हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी नहाए थे, और यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा एकदम इसको खोद करके बालू यहाँ से निकाल करके इधर साइड में रखा जा रहा है और उधर साइड में पूरा एकदम खोद दिया गया है। और ऐसा पूछा कि क्यों खोदा गया तो पानी का लेवल वहाँ तक पहुँचाने के लिए इसको खोदा जा रहा है। एक बार आपको बैक कैमरा से पूरा नज़ारा दिखाता हूँ रहा होगा। तो ये पूरा इसलिए खोदा गया है क्योंकि जो पानी का जल स्तर है पूरा उस कॉर्नर तक पहुंच सके और यहाँ जो कुछ भी बालू का टीला है, बाधा जो बनने का काम कर रहा है उसको पूरी तरीके से काट कर हटा दिया जाए और पानी जो उधर है वो पानी इधर साइड में ट्रांसफ़र हो सके। तो मतलब लग रहा है मोदी जी के आगमन के लिए ऐसा तैयारियाँ की जा रही हैं कि जो यहाँ का एक दिव्य जो रूप हो, स्वरूप हो और भी जगमगाता हुआ दिखलाई दे मोदी जी के स्वागत में। समझ रहे हैं, यहाँ से जैसे देख रहे हैं ना ये है गेटवे ऑफ कॉरिडोर, गेटवे ऑफ कॉरिडोर। यहाँ पे पानी अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है। अगर मैं दिखाऊं नीचे तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल पानी नहीं है, वहाँ पानी पहुँच चुका है। तो जब ये पूरी तरीके से बालू को यहाँ पे काट के निकाल के इसको कहीं ट्रांसफ़र करेंगे ये लोग, ये जो बालू है इसको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होगा ये। और अभी देखिए उधर मशीन खड़ी है, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से। देखिए लेडीज़ चेंजिंग रूम है और देख रहा होगा आपको वो वहाँ पे जेसीबी खड़ा है, तो उस जेसीबी के थ्रू पूरा इसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो आइए चलते हैं कृष्णकांत भैया से ही पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। फ्रेंड्स, तो हम कृष्णकांत भैया से पूछने वाले हैं यहाँ पे जो ये बालू का टीला ललिता घाट के ठीक सामने जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी स्नान किए थे और इधर साइड में बालू खोदा और खना जा रहा है। तो कृष्णकांत भैया यहाँ पे उनसे ही पूछते हैं, भैया ये क्यों जो है कि नाम आपका सही रहेगा ना। फ्रेंड्स, तो अभी हम हैं ललिता घाट के एकदम ठीक सामने और यहीं प्रधानमंत्री मोदी स्नान किए थे, डुबकी लिए थे यहीं पे और डुबकी ले करके सीधे गेटवे ऑफ कॉरिडोर गंगा द्वार जी के दर्शन करते हुए एकदम चले गए काशी विश्वनाथ गृह में। तो यहाँ पे भैया हैं, उनसे पूछेंगे कि ये जो क्यों खोदा और खना जा रहा है, ये जो बालू आप यहाँ तक खन दिए हैं इसका रीज़न क्या है भैया। इसका रीज़न यही है कि जब सफाई होगा हाँ, तो यहाँ पे प्रधान मोदी या कोई भी अधिकारी आता है हाँ, तो यहीं पे नहाता है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, यही घाट पे नहाता है, यहाँ से नहा के इसी रैम से जाता है दर्शन। रैम से आप जो है कि यहाँ पे खड़ा होकर के अंदर चले जाएंगे। तो ये बहुत काफी बालू यहाँ पे दे सकते हैं, ये खना गया भैया तो बलुया कहाँ ट्रांसफर होगा। बालुया देखिए ट्रांसफर होगा या जाएगा आएगा हाँ उस पार जाएगा या उसके लिए अभी तो निर्णय नहीं, कंपनी निर्णय लेगी ना। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णकांत भैया। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ बहुत अच्छी तरीके से इसको खन दिया गया है और यहाँ पे पूरा जितना भी मतलब बालू था इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके उधर ट्रांसफ़र किया जा रहा है क्योंकि जो पानी उधर का है उसको इधर लाया जाएगा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है तो मेन रीज़न है आ रहे हैं मोदी जी, तो मोदी जी इधर ही स्नान करते हैं, पानी नहीं रहेगा तो स्नान कहाँ से करेंगे। तो पानी के लिए यहाँ पर जो बालू का टीला था वो सारा का सारा इसको रिमूव किया जा रहा है और इसको हटाया जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु जो है कि वही जहाँ पे मोदी जी स्नान किए थे, ये देखिए राजस्थानी लोग हैं, राजस्थान इंडिया के राजस्थान प्लेस से ये लोग आए हैं बाबा का दर्शन करने। फ्रेंड्स, जिस प्रकार का जो मॉडल दिखाया गया था उसी प्रकार से पूरी तरीके से इसको कंप्लीट किया जा रहा है। अब देखिए इसके फिनिशिंग होने का काम स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे इसको 20 से 25 दिन में पंपिंग स्टेशन को तोड़ा गया, पंपिंग स्टेशन के मलबे को हटाया गया, उसके बाद जो नीचे का सरफेस था उसको एकदम क्लीन किया गया, फिर सिलाब पड़ाया गया उस पर, फिर उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पत्थरों किस प्रकार से फिनिशिंग हो रही है वो भी आप दिव्य दर्शन कर सकते हैं एकदम। और यहाँ पे देख सकते हैं
के श्रद्धालु लोग हैं जो कि राजस्थान प्लेस से आए हुए हैं इंडिया के, देख सकते हैं किस प्रकार से बाबा का दर्शन करने के लिए गरडोर में अंदर की तरफ जा रहे हैं। ललिता घाट का भी आप दिव्य दर्शन कर सकते हैं। अभी इसका भी एक स्वरूप बदला जा रहा है, अंदर के साइड में उधर पुट्टी उट्टी हुआ है उसका, और यहाँ पे जो नीचे का सरफेस है अभी देख सकते हैं मॉर्निंग के टाइम में भैया लोग लग गए हैं। ये क्या पूछ रहे हैं भैया, सीमेंट सीमेंट है या फिर और कुछ है? सीमेंट है, तो इसके ऊपर केमिकल है। अच्छा, सीमेंट के ऊपर केमिकल है जी, ये कच्चा कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कंप्लीट हो गया क्या पूरा एकदम? सिर्फ वो दीवारें बाकी रह गई उधर की। हेलो फ्रेंड्स, तो अंदर तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से आपको बजरंगबली साइड का दर्शन करा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इधर साइड में कितना काम हो चुका है वो आप दृश्य देख सकते हैं। तो ये मैं बाहर से ही मैं इधर से आपको दिखला दे रहा हूँ। ये गलियों से नीचे जाएंगे, जैसा कि मैं आपको रैंप और बिरला निवास के बीचों बीच का दृश्य अभी दिखा रहा हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पे लगभग पूरी तरीके से अब सिलाब पड़ चुका है, और रैंप के साइड में ऊपर साइड में पत्थर भी लगनी प्रारंभ हो चुकी है, और इधर नीचे साइड में इधर रैंप और बिरला निवास के सबसे निचले वाले फ्लोर पर इधर पत्थर भी लग चुका है। नज़ारा गंगा जी का आप देख सकते हैं सामने का दृश्य। अभी हम नीचे जाएंगे और वहाँ से भी नज़ारा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको इधर का दृश्य दिखा लेते हैं। जो कृत कार्य है उसका व्यू, उसका दर्शन आपको अपने कैमरे में वीडियो के माध्यम से कैप्चर करके आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी टंकी यहाँ पे भी बना हुआ है और ये ओपन है, और इस पर भी कार्य चल रहा है। लगा इस पर आज एक मतलब पूरा एक पोर्शन लगाया जाएगा इस पर, और ये बंद हो जाएगा एक दो दिन में, ये पूरा टंकी बंद हो जाएगा। अभी ये रैम के मैं ठीक सामने खड़ा हूँ, रैम के ठीक सामने का ये दर्शन आपको करा रहा हूँ। और यहाँ देख सकते हैं एक सीढ़ी, बड़ी बड़ी ऐसे सीढ़ियाँ लाइन से बनी हुई हैं, और वहाँ बजरंग बली की मूर्ति है, और यहाँ ये बिरला निवास, यहाँ पे देख सकते हैं बिरला निवास, और यहाँ बगल में मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट का दिव्य दर्शन हो रहा होगा आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं सामने सरयू का दाह संस्कार किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट साइड में जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वो देख सकते हैं पूरा व्यू। उधर सीधे पूरा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। इधर जो सीढ़ियाँ हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं मणिकर्णिका घाट के साइड, इधर जस्ट बगल में ही इधर साइड में जो सीढ़ियाँ बन रही थी वो लगभग पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुकी हैं। इधर देखिए रैम के साइड में अभी दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, रैम के साइड का जो कार्य है। इधर देखिए गलका लग रहा है, बहुत सारी पत्थरें आई हुई हैं इधर साइड में, और इधर साइड में सीढ़ियों पे इधर नीचे साइड में पत्थर जो है नंबर ऑफ पत्थर पड़े हैं, और सीढ़ियों का काम कंप्लीट बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे का जो दृश्य है जो स्वरूप बदल रहा है वो सारा का सारा वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो पत्थरें आई हैं ये कल की नई पत्थरें आई हैं, और ये सारी पत्थरें बहुत अधिक मात्रा में है क्योंकि अभी बहुत सारी पत्थरें लगनी है, पूरा अभी रैम का काम बाकी है। जैसा कि आपको दिखलाई दे रहा होगा यहाँ से दिव्य स्वरूप, और यहाँ पे देख सकते हैं श्रद्धालु जो है घाटों पे मॉर्निंग के टाइम ही बैठे हुए हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। और समझ लीजिए कि ये कॉरिडोर जो है एक अद्भुत स्वरूप बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ पे घाटों के किनारे किस प्रकार से नाव यहाँ पे लगी हुई है, सूर्य की लालिमा किस प्रकार से कितना सुंदर गंगा को सजो रही है। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और चलते हैं रैंप की तरफ, और रैंप का जो कृत कार्य है उसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मित्रों कल आया था तो कल इधर साइड में पत्थरें, ये जितनी पत्थरें आपको रखी हुई दिखलाई दे रही हैं ये कोई भी पत्थर नहीं था, लेकिन आज ये पत्थर रखा गया है। और उसका मेन रीज़न है क्या आप जानते खुद भी हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कार्य बढ़ चुका है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, जिसकी वजह से पत्थरें रखी गई हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं सीढ़ियों पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके जस्ट नीचे अभी भी यहाँ बहुत सारी पत्थरें रखी हुई हैं, और ये देखिए कंस्ट्रक्शन वाला जो मशीन है इस मशीन के ही द्वारा जितने भी कॉरिडोर में कार्य किए गए हैं, कृत कार्य हैं, वो सारे के सारे इसी मशीन के द्वारा हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो सीढ़ियों का काम हो कहाँ तक पहुँचा हुआ है,
और ये अभी मणिकर्णिका घाट के एकदम ठीक सामने खड़ा हूँ, जैसा कि आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जो पत्थरे हैं ये कल की पत्थरे आई हुई हैं, और यहाँ पे जो सीढ़ियों का काम मणिकर्णिका घाट पे है वो काफ़ी अच्छे तरीके से और आधा लगभग ये कम्प्लीट हो चुका है, सिर्फ ये वाला पोर्शन बाकी रह गया है। और इसको भी लगता है 4 या 5 दिन में पूरी तरीके से कम्प्लीटली कम्प्लीट कर लेंगे। तो आइए चलते हैं रैम की तरफ और रैम के थोड़ा सा दृश्य दिखाते हैं। और रैम के साइड में आज तो पटरी लिखा हुआ है, तो उसमें देखिए क्या दृश्य है वहाँ का। जैसा कि इधर देख सकते हैं रैम के एकदम बाहर खड़ा हूँ, और यहाँ पे जो नीचे साइड में जो पत्थरें लगाई गई हैं ये कल का बढ़ाया गया कार्य है। और यहाँ पे जो कुछ भी मलवा था वो सारा रिमूव करके यहाँ पे अब सीढ़ियों पे पत्थर लगना प्रारंभ हो चुका है। और देखिए वहाँ पे कल की ये नई पत्थरें आई हुई हैं। तो आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे का भी दृश्य आपको दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। और ये देखिए यहाँ पे पत्थरें जो है कि इन दीवालों पे यहाँ पे नट बोल्ट के द्वारा कसा जा रहा है। एकदम ठीक सामने भी मैं खड़ा हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ से मैं जूम करके आपको दिखला रहा हूँ। तो एकदम रैम के एकदम ठीक सामने खड़ा हूँ, और यहाँ पे भी एक प्लेट लग गया है जो कि जो मंदिर है उस मंदिर को दर्शाया गया है और इंडिकेट किया गया कि उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन से होकर जाएगा। तो अब आ गया हूँ मैं एकदम रैम के बाहर, ये देख सकते हैं रैम के एकदम बाहर खड़ा हूँ। तो वहाँ का थोड़ा सा दृश्य दिखाता हूँ आपको बैक कैमरा से, देख पा रहे हैं ये रैम के भी ठीक सामने हूँ। यहाँ पे जो सारा कार्य हो चुका है और यहाँ रैम के बाहर पूरी तरीके से वॉल एकदम क्रिएट किए जा चुके हैं, अब सिर्फ यहाँ देखिए पत्थर यहाँ पे लगाना बाकी रह गया है। और रैम के साइड में ये बहुत सारी पटरियाँ आई हुई हैं, इसका मतलब देख रहे हैं बाहर साइड में रैम का काम है वो कितना खूबसूरती से किया जा रहा है, कितना मजबूती से इसको बनाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक ऊपर साइड में इस प्रकार की एक दीवार होगी, यहाँ से लोग अंदर जाएंगे और ऊपर से लोग बाहर निकलेंगे, एंट्री जो है कि यहीं से होगी बाहर से। और ये इलेक्ट्रिक होगा या जो कुछ भी होगा वो बाद में ही मैं आपको बतला पाऊंगा। नीचे साइड में देख सकते हैं बहुत सारी पत्थरें यहाँ पे ला ला कर रखी गई हैं, ये कल की नई पत्थरें आई हुई हैं क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर लगने वाले हैं पत्थरों की कमी पड़ेगी, जिसकी वजह से देखिए ये नई पत्थर आए हैं। और ये जो है कि देख सकते हैं किस प्रकार से प्लास्टिक में बांध कर लाया गया है। तो अभी ये पूरा पोर्शन है, इस पर पत्थर बिछना बाकी है, और जैसा जैसा अपडेट होता जाएगा वो सारा वीडियो मैं आपको देता जाऊंगा। जो सामने आपको दिख रहा है ये मलवा, कुछ दिन बाद जब ये काम कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद इसको हटा दिया जाएगा। और जैसा कि देख सकते हैं लोग नौकायान से जो है कि गेटवे ऑफ कॉरिडोर गंगा द्वार के ठीक सामने खड़ा हो रहा है, और उसके बाद वहां उतर करके अंदर दर्शन करने चले जा रहे हैं। यहां देखिए इधर साइड में एक प्लेट लगाई गई है जो कि लिखा हुआ है मंदिर परिसर शंकराचार्य चौक और महाकालेश्वर भवन, मतलब ये देख रहे हैं सभी का डायरेक्शन भी दिखलाया गया है यहाँ पे, और इंडिकेशन के थ्रू सभी का डायरेक्शन दिखलाया गया है। और अभी भी ये जो पत्थरें आपको दिख रही हैं ये रैम के साइड में ये रैम पे लगाई जाएंगी, और ये अद्भुत रैम्प बनाया जा रहा है। इधर साइड में आपको दिखाऊं तो सिर्फ इतना ही है कि इधर भी रास्ता पूरा क्लोज है, और ऊपर साइड में जो रैम का कार्य है अभी चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। और इधर जो इसके आसपास जो अगल बगल जो कुछ भी दीवारें हैं वो भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो इटालियन लाइट्स पूरी तरीके से अब कम्प्लीटली लग चुकी हैं, बन चुकी हैं। अब इसको चालू ये रात को होता है या नहीं होता है, किसी एक दिन आऊंगा और उसका नाइट व्यू भी आपको दिखलाऊंगा, और जैसा भी इसका नज़ारा होगा आप देख पाएंगे। इस इटालियन लाइट की जो लंबाई है वो लगभग 75 फीट है और 25 मीटर के अप्रॉक्स में है, और ये बजाज कंपनी के द्वारा लगाया गया है। और इसका जो ऊपरी सिरा है इस पर 48 लाइट लगाई गई हैं, 48 लाइट है, और ये पूरी तरीके से अब लग चुका है। और इस पर जो झंडा लगाया गया है भगवा कलर का, ये ट्रायल के तौर पर भी छोड़ा गया है इसको, इसमें और भी बड़ा झंडा लगाए जाएंगे। फ्रेंड्स तो यहाँ से आप रैम को आपका दृश्य दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं रैम के ऊपरी सिरे का दृश्य दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे जो आपको व्हाइट कलर का दिखलाई दे रहा है ये जो है कि वायर्स हैं, इलेक्ट्रिक वायर लगाया गया है। इस पूरे वॉल पे लाइटें जलेंगी, और जो लाइट होगा वो इटालियन लाइट्स होगा, और इस वॉल पे भी जलेगा और इस वॉल पे भी जलेगा। ये जो सामने गेटवे ऑफ कॉरिडोर के ठीक बगल में दिख रहा है, इन दोनों दीवारों पे लाइट जलेंगी। और यहाँ देख सकते हैं पूरी तरीके से एकदम वायर बिछा दिया गया है दीवारों पे, ये पूरा पूरा बिछा दिया गया है। ये वाली जो ग्रेनाइट्स रखी हैं, ग्रेनाइट की ये वाली पत्थरें,
देखिए कब तक हटता है और कब तक इनका कार्य लगना इनका प्रारंभ होता है। और यहाँ पे बहुत सारी ग्रेनाइट्स की पत्थरें रखी हुई हैं, एक सीरीज में रखी हुई हैं। और जो भी श्रद्धालु अभी नहान यहाँ पे घाटों के किनारे आ रहे हैं, अगर वो स्नान करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ पानी गंदा आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे स्नान ना करें। यहाँ से देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट, रैंप, गेटवे ऑफ कॉरिडोर, ललिता घाट, ये सारा नज़ारा एक भव्य स्वरूप है, एक दिव्य स्वरूप है, जैसा कि आपको दिखलाई दे रहा होगा। और यहाँ एक लाइन से जो यहाँ पत्थरें रखी हुई हैं, ये सारा का सारा पत्थर हटाया जाएगा लगभग, देखिए जब तक ये काम चलेगा तब तक तो यहाँ पर रखा ही जाएगा, और जैसे ही काम में इसका यूज होगा ये तुरंत ही रिमूव कर लिया जाएगा। जिस प्रकार से इधर बहुत सारी पत्थरें रखी हुई थी लेकिन धीरे धीरे सारी पत्थरें हटा ली गई, उसी प्रकार से ये भी पत्थर हटा लिए जाएंगे। आपको सामने वाला मलबा दिख रहा है, ये भी जो है कि लगभग जब तक ये काम चलेगा तब तक ये दिखाई देगा और उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। और अभी भी देखिए इधर किनारे घाटों के बहुत सारे यहाँ पे छड़ सरिया रखे हुए हैं किनारे किनारे, देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी पत्थरें हैं, ये सारे के सारे रिमूव कर लिए जाएंगे, सारे के सारे हटा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे का जो दृश्य अद्भुत स्वरूप है जो कुछ भी है वो सारा वीडियो के माध्यम से कैप्चर करके आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। वीडियो को देखते रहिए, जैसा भी लगे बतलाइएगा जरूर, आपका कमेंट जरूरी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी बहुत सारी सैया और छड़े यहाँ पर रखी हुई हैं, अभी भी इनका कहीं ना कहीं कार्य होगा। और हर घाटों पे मतलब एक ही घाट पे हर प्लेस पे बहुत सारे अभी भी पत्थर हैं, तो अभी बहुत सारे पत्थर यूज नहीं हो पाए हैं। अभी ललिता घाट को मैं दिखाऊँगा, ललिता घाट का जो सरफेस उसको दिखाऊँगा, और वहाँ का लगभग काम कम्प्लीट हो गया है। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और आगे आज कुछ नया दिखलाई दे रहा है तो पहले उसको दिखाते हैं। तो अब आ गया हूँ मैं उस प्लेस की तरफ जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी स्नान किए थे, और यहाँ पे स्नान किए थे, और यहाँ पे कल का ये गड्ढा बहुत बड़ा खोदा गया है। तो आइए दिखाते हैं उसको, क्यों खोदा गया है पूछते हैं भी किसी लोग। दिखलाई दे रहा होगा यहाँ बहुत बड़ा एक गड्ढा खोदा गया है, और ऐसा क्यों खोदा गया है अभी मैं थोड़ा देर में आपको बतला दूंगा। जैसा कि आपको दिखलाई दे रहा होगा यहाँ पे कि पूरा कल का ही खोदा गया है, क्योंकि कल तक मैं आया था तो ऐसा कोई भी गड्ढा यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे एक दिन में इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया है। और इसका रीज़न क्या है इस पे अभी जब भैया लोग आए, कुछ लोग वर्कर मिलेंगे, तो उनसे पूछने के बाद पता चल जाए कि ऐसा इतना बड़ा गड्ढा आखिर में क्यों खोदा गया। और यहाँ से देख सकते हैं पशुपतिनाथ जी महाराज का टेम्पल है, ललिता घाट, गेटवे ऑफ कॉरिडोर, और यहाँ से सामने का नज़ारा जहाँ पर लोग स्नान और गंगा जल ले करके बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कुछ और ही बनाया जाएगा, मतलब वेस्ट जबस कंप्लीट हो चुका है अब। अभी कहाँ काम होगा, ये तो पूरा लग गया है, पूरा पत्थर वत्थर इधर लग गया है पूरा। अच्छा ऊपर ऊपर साइड। अच्छा ये बताइए कि जो ललिता घाट का जो पत्थर वाला दीवार है उस पर कुछ काम होगा कि नहीं? वो पता नहीं है आप लोगों को? आप लोग कहाँ से भी है? अहमदाबाद, गुजरात से हैं? गुजरात, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ से लोग बहुत अधिक मात्रा में आए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे साइड में इधर पूरा जो सरफेस है दीवार वाली वो तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ बाकी रह गया है उधर थोड़ा सा पोर्शन और बाकी रह गया है, उसके बाद ये पूरा ललिता घाट का जो सरफेस है वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली कम्प्लीट हो चुका है, जैसा कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। पूरा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ देखिए यहाँ इस साइड पे थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, और भैया लोग इसमें सीमेंट भर रहे हैं, उसके बाद ये केमिकल कर रहे हैं कि उसके ऊपर केमिकल का भी कुछ ऐसा ऊपर से डाला जाएगा इसके ऊपर। अच्छा भैया इसको लगाने के बाद ये पत्थर कभी ख़राब नहीं होंगे, मतलब निकलेंगे नहीं? जब केमिकल आएगा ना हाँ, पत्थर निकलेंगे नहीं कभी भी नहीं? हाँ अभी तो ये लोग सीमेंट लगा रहे हैं आप लोग। ये हवा मशीन के थ्रू ये साफ कर रहा है ना, मतलब मसाला उसमें भरा जाता है। इसको आप लोग लगा कल भर में कंप्लीट मार देंगे अभी कहाँ? तो भैया बता रहे हैं कि ये जो इस पे केमिकल डाला गया है, मतलब ऊपर इन जो दो पत्थरों के बीच में इसमें केमिकल डाला गया है जिसकी वजह से कभी भी छोड़ेगा नहीं, लोखंड जैसा अभी है एकदम कड़क हो जाएगा, लोखंड जैसा एकदम कड़क निकलेगा ही नहीं, पत्थर टूटेगा अमर अच्छा नहीं निकलेगा, पत्थर टूट जाएगा लेकिन वो नहीं निकलेगा। जगह पर जिस प्रकार से केमिकल यूज किए हैं सीमेंट भरने के बाद,
बता रहे हैं कि पत्थर निकल जाएगा लेकिन ये छोड़ने वाला नहीं है, मतलब अमर है ये ना भैया। राजस्थान के पत्थर है ये, तो सारा राजस्थान के पत्थर है। एक लोग तो बोले थे अहमदाबाद का पत्थर है। तो चाहे एक बार ललिता घाट पे खड़ा हो करके पूरा घूम करके आपको दृश्य दिखा देता हूँ, हर एंगल से हर एक दृश्य का नज़ारा। यहाँ देख सकते हैं गेटवे ऑफ कॉरिडोर, ललिता घाट, पशुपतिनाथ जी महाराज का टेंपल, और इधर साइड में जो बालू खदा खोना और खोदा जा रहा है, यहाँ पे खोद खोद के निकाला जा रहा है। और मेन रीज़न क्या है बताया था आपको, वो रीज़न है जिस प्रकार से यहाँ पानी लगा हुआ है उसी प्रकार से उधर भी पानी लगना चाहिए। जो मोदी जी आए तो यहीं पे स्नान करते हैं, इसकी वजह से इस बालू के टीले को हटाया जाएगा और पानी पूरा यहाँ तक आ सकेगा। और पूरा एकदम एक बार 360 डिग्री पे आपको पूरा एंगल पे वीडियो दिखाता हूँ। पत्थरे दिख रही हैं सारी के सारी, अभी पत्थरे एक पेटी में बंद बंद कर कर आई है, और उस बड़ी वाली मशीन का सबसे बड़ा रोल होता है जो सारे बड़े बड़े पत्थरों को, इस प्रकार के पत्थरों को, पेटियों को उठाने का वर्क करती है। क्योंकि ये पत्थरे उठाई नहीं जा सकती आदमियों के द्वारा, अगर 10-15 आदमी लगेंगे तब वो पत्थर उठ पाएगा। आवाज़ बैठे हुए हैं आप उदास हैं। सीधा घाट पे भी एक प्लेट लग गया है यहाँ पे, जैसा कि आपको नीचे दिखलाई दे रहा होगा। यहाँ पे मंदिर परिसर, महाकालेश्वर भवन, जलाशयन पथ, तो ये जलाशयन पथ है। और उधर देखिए डायरेक्शन दिखलाया गया है, मतलब इधर जाएंगे आप, और इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा मंदिर परिसर और महाकालेश्वर महादेव जी का इधर साइड में भवन है। अभी देखिए इधर साइड में पत्थर लगाना बाकी रह गया है। तो हम जा रहे हैं ललिता घाट पे, ललिता घाट पे जो कार चल रहे हैं उनको भी एक बार दिखा दूं। और ये देखिए ऊपर से कुछ नज़ारा जो ललिता घाट का है, उसका स्वरूप देख सकते हैं, उसका दिव्य दर्शन कर सकते हैं। और नीचे साइड में अभी देखिए इधर साइड में पत्थरे लगाना बाकी है, और ये पूरा लग चुका है, इधर का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ ये वाला पोर्शन बाकी रह गया है। और ऊपर भी इधर पोर्शन पे पत्थरे लगाई जा चुकी हैं। फाइनली हम आ गए हैं अब ललिता घाट पे, और ललिता घाट का एक बार आपको दर्शन करा देते हैं। जो बदल रहा है, जो काम हो रहा है यहाँ पे, तो इन घाटों पे जो यहाँ के जो दीवारें हैं इनका जीर्णोद्धार जो किया जा रहा है, तो आइए उसको दिखाते हैं बैक कैमरा से। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट जरूर करके बतलाइएगा कि क्या आपको कैसा लग रहा है। अंदर साइड में दिख रहा है पहले कभी वहाँ मट्टी जमा हुआ करता था, वो सारा मट्टी हटा करके उसको धोया गया, उसको साफ सुथरा किया गया। अब उसको साफ सुथरा करने के बाद यहाँ पे जो कुछ पुरानी पुराने इमारतें हैं, अब देखिए उन पे भी कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, इनकी भी साफ सफाइयाँ अब चलने प्रारंभ हो चुकी हैं। देखिए अंदर साइड में साफ सफाइयाँ चल रही हैं, उधर ऊपर साइड के नीचे साइड में सरफेस पे उधर भी साफ सफाइयाँ हुई हैं। आज यहाँ फिर आया हूँ तो आज इधर पुट्टी की मात्रा थोड़ी बहुत बड़ी है और यहाँ ब्राइटनेस कुछ अधिक दिख रहा है। देखिए यहाँ पूरा तरीके से इस वॉल को यहाँ कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया अंदर साइड में। ये देखिए प्राचीन कलाकृतियाँ कुछ दीवारों पे भी प्रेजेंट है जो कि हाथी नुमा स्ट्रक्चर है। यहाँ कभी पहले एक प्राचीन मंदिर हुआ होगा जो कि दिखलाई दे रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, ऐसा कुछ दिखलाई यहाँ पे नहीं दे रहा है।